और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है। 4 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश जारी रहने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ सकती है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को खासा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। 2 दिन का यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में बारिश वहां पर लगातार हो रही है। 4 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश जारी रहने की यहाँ पर चेतावनी है। मौसम विभाग ने भी ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचे जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। और ये बेमौसम बारिश से किसानों का हाल खराब है। फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। सेब की फसल यहां पर नष्ट हो चुकी है। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कब तक यहाँ पर ये बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल हर्षा, अगर देखा जाए तो अच्छी बात तो ये है कि आज मैदानी इलाकों में चटक धूप है सुबह से ही, लेकिन पहाड़ों पर मौसम बदला हुआ है। यानी कि माना जा रहा है कि शाम के वक्त से एक बार फिर से मौसम उत्तराखंड में बदल जाएगा, या क्योंकि कल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें भारी बारिश है, ओलावृष्टि है और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना एक बार फिर से मौसम विभाग ने जताई है। जहां तक किसानों का सवाल है तो काफी प्रभावित इस बार किसान इस ओलावृष्टि से जरूर हुए हैं, क्योंकि जो खड़ी फसलें हैं, बागवानी है, उसको बड़ा नुकसान उत्तराखंड में पहुंचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी तमाम जो अधिकारी हैं उनको आकलन करने के निर्देश दे चुके हैं कि जो भी इस वक्त जो किसानों को नुकसान हुआ उसका एक आकलन किया जाए और बहुत जल्द ही उनके लिए मुआवजा राशि का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि अभी भी किसानों को और दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस तरीके से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो इसमें भी काफी वहां पर बाधाएं जरूर आ रही हैं। जो भी वहां पर जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनके सामने इस तरीके की दिक्कतें हैं, क्योंकि शाम के वक्त पर मौसम बदल जा रहा है और तेज बर्फबारी वहां पर जो है देखने को मिल रही है, तो ऐसे में वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। अभी भी अगर बात करें प्रदेश में तो जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से मौसम बदला हुआ है। बारिश हल्की फुल्की कई जगहों पर, खासतौर पर पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी जिलों की बात करें, उनके ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जारी भी है। तो ऐसे में दिक्कतें जरूर हुई है। मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो जल भराव की दिक्कतें होती हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बेमौसम की बारिश है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है उस तरीके का पूर्वानुमान कभी जारी नहीं होता है, लेकिन लगातार जो हो रही बारिश है उससे काफी दिक्कतें जरूर हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं उत्तराखंड में उसमें भी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, तो एक बार फिर से किसानों को इसका नुकसान जरूर भुगतना पड़ सकता है। उधर अगर बात करें तो प्रदेश में जो वनाग्नि की घटनाएं उनमें जरूर इस बार बहुत ज्यादा राहत देखने को मिली है। इस बार वो तस्वीरें सामने नहीं आई जिस तरीके से वनों में आग धधकती थी और काफी जो है जंगलों का नुकसान होता था, क्योंकि इस वक्त जो बारिश हुई है उससे वनाग्नि की घटनाएं अपने आप ही कम हो गई। तो ऐसे में वन विभाग को बड़ी राहत है और जिस तरीके से जंगलों का नुकसान होता था उस नुकसान से भी इस बार बारिश ने काफी बचाया है। लेकिन ओलावृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ है वो अपने आप में काफी दिक्कतें जरूर पैदा करने वाला है। अगले 24 घंटे इस तरीके के उत्तराखंड में रहने वाले हैं, लेकिन उसके अगर बात करें तो उत्तराखंड में मौसम साफ हो जाएगा, एक बार फिर से यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेंगे और उसके बाद फिर से जो जिस तरीके से गर्मियों की दस्तक होती है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।